मेरे जैन धर्म में 22 परिसर जीतने की बात कही है मुनियों को, और मैं समझता हूं कि अगर किसी को क्रांति में उतरना है तो उसको भी 22 परिसर जीतना आना चाहिए, और भूखा प्यासा रहना सीख ले, और हर हाल में तकलीफ सहना सीख ले, वरना वो कहीं भी मात खा जाएगा। फिर वर्मा ने पूछा, क्रांति के लिए, धन के लिए किसी इंसान की हत्या करना कहां तक उचित है? तुम तो जैनी हो और तुमने एक दो आदमियों की हत्या कर दी। उस क्रांतिकारी भारत मां के सपूत और अहिंसक व्यक्ति ने उत्तर दिया, बड़े काम की सिद्धि के लिए छोटे मोटे अपराध करना पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ देश की क्रांति और क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाना था। और इस बीच में जो आड़े आया वो निपट गया। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा मोटा कुर्बान करना पड़ता है। और जब उनसे फांसी पर चढ़ने की वक्त पूछ गया, उनके मित्र ने पूछा, तुम्हारा अंतिम संदेश क्या है? उस युवक ने कहा, केवल 17-18 साल के युवक ने कहा, मेरी फांसी ही मेरा संदेश है। 1915 में कौन सा सन था? मेरी फांसी ही मेरा संदेश है। इस फांसी को सुनकर के मेरे विरोधी कहेंगे मारा गया, इस फांसी को सुनकर के अंग्रेज कहेंगे जैसा किया वैसा भरा, इस फांसी को सुनकर के कुछ जैन कहेंगे चलो एक समाज का कलंक मिटा, लेकिन इस फांसी को सुनकर के आजादी के दीवाने कहेंगे कि हम भी मोती चंद की राह पर जाएंगे, देश को स्वतंत्र कराएंगे। एक से एक सूरमा हुए इस देश में, उस समाज में, और मुझे लगता है जैसे अखंड वीर स्वतंत्रता के लिए हुए हैं, ऐसे अगर दो चार युवा किस युग में पैदा हो जाएं तो गिरनार और सम्मे शिखर की रक्षा के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो चार सूरमा ही काफी। आज तो हमारे देश में हमारे धर्म और तीर्थों की रचना रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना ही मुश्किल हो रहा। ध्यान रखिए, तिरंगे में बीच में जो चक्र है ना, वो तीर्थंकरों का चक्र है, 24 तीर्थंकरों का, और वही चक्र है जो भरत चक्रवर्ती के हाथ में रहता था। धर्म चक्र है ये तिरंगा, सिर्फ तीन रंग नहीं है, तीन रंग का नहीं वस्त्र ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तिरंगा ध्वज, पचरंगा ध्वज ये शान है, और इस शान को बनाए रखने के लिए, बनी रहे शान, इसलिए हो गए हजारों सूरमा कुर्बान। आपको दो चार नाम पूछ ले कोई, भाई देश में इतने लोगों ने शहादत दी, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, तुम अपने आप को जैन कहते हो, सबसे प्राचीन कहते हो, देश का वारिस कहते हो, भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम पड़ा ये भी कहते हो, तीर्थंकर हुए ये भी कहते हो, तुम द्रविड़ हो, देश की सबसे प्राचीन न्यू हो ये भी कहते हो, बताओ स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हारा योगदान क्या है? आप बता सकते हैं कितने शहीद हुए जैन श्रावक श्राविका? कोई 4-5 नाम गिना सकते हैं?
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिनकी दादी जैन धर्म का पूरा सिद्ध से पालन करती थी, वो खुद भी पालन करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और बहुत सारे, ये वो नाम हैं जो दोस्त में विख्यात हो गए। और इन सूरमाओं को उनके कर्तृत्व का थोड़ा सा सम्मान मिला, लेकिन ढेरों ऐसे नाम हैं कि वो आपके बीच के रहे, आपके समाज के रहे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं। प्रधानमंत्री को पता हो, राष्ट्रपति को पता हो, ये कल्पना करना ही फिजूल है। जब आपको पता नहीं तो उनको क्या पता होगा। अभिया रानी अब्बक्का जो 1555 के आसपास 30-40 साल के इतिहास में जबरदस्त भूमिका निभाती हैं, कितने लोगों को नाम पता। झांसी की रानी से कदम मिला के चलने वाले खजांची अमर चंद बांठिया, बहादुर शाह जफर का सारा हिसाब किताब देखने वाले और मित्र और सैनिक सहयोगी हुकुमचंद जैन, लाला हुकुमचंद जैन, कितने लोगों को पता है। और केवल 13 साल का नन्ना मुन्ना भतीजा जो माँ भारती के चरणों में 1858 में कितने लोगों को पता है। उसके आगे बढ़ते जाइए, ढेरों सारों गुमनाम होने के बाद भी कुछ नाम तो आज भी हमारे साथ हैं। अच्छा हो स्वतंत्रता संग्राम में जैन, इस पुस्तक का संग्रह करने वाले कपूर चंद जी, ज्योति जी, कि उनने कुछ खोज की और आज हम आपको इसमें से 20 नाम बताते। कितने? जो शहीद हुए अंग्रेजों की गोली से, देश के लिए तिरंगा थामे हुए, और तिरंगा थामे थामे उनकी सांसें थम गईं, लेकिन तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों पर लहराता रहा। मध्य प्रदेश में एक सिंघई प्रेमचंद जैन हुए, जिन्होंने क्रांति की ज्वाला में अपनी आहुति दी। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में वीर सातप्पा टोपण्णावर, उस तरह के नाम है उस तरफ, बेलगांव में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1922 के आसपास, ये सारे युवा हैं। वीर उदयचंद जैन मध्य प्रदेश, साबूलाल जैन जन्मभूमि गढ़ा कोटा सागर, आज भी वहां उनका स्तंभ बना हुआ है। और युवा टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए तिरंगा हाथ में लहराते हुए रैली निकाली जा रही थी और अंग्रेजों ने धमकी दी, पीछे हट जाओ नहीं तो गोली खाओ। साबूलाल आगे बढ़ते रहे, नेतृत्व करते रहे, आखिर अंग्रेज की गोली उनकी छाती में लगी और वो शहीद हो गए, साबूलाल जैन। महिलाएं भी बहुत ज्यादा आगे रही हैं, जयावती संघवी का एक नाम आता है, जिन्होंने आहुति दी, शहीद हुई। सरला देवी सारा भाई, देविका रानी, अंगूरी देवी, सोलापुर की राजुलमती पाट, और कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में रहीं और महात्मा गांधी के सहयोग में रहीं, लेकिन जयावती संघवी आमने सामने के मुकाबले में शहीद हुईं। इनका इतिहास भी है। नाथालाल साहा, शहीद अन्ना साहेब पत्रावले, नाम समझ में आ रहा?
उदगांव कुंजवन के विहार के बाद हम लोग सांगली तरफ गए और तभी के एक व्यक्ति ने बताया कि अमर शहीद अन्ना साहिब पतरा वाले का घर भी पास में है और घर में चैत्यालय भी है, आप दर्शन करेंगे। शहीद का घर हो और संत ना जाए, हमने कहा हम जरूर चलेंगे। कोई खास फासला नहीं था, 14 कदम का अंतर पड़ा होगा। चौराहे पर उनकी मूर्ति थी, अन्ना साहिब पत्रा वाले, और बड़ा सुंदर चैत्यालय था। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए, थोड़ा पूछताछ की, सबको गौरव हुआ कि किसी ने तो हमारे पुरखे का नाम लिया, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। केवल 17 साल की उम्र में 1925 के आसपास अंग्रेजों से पंगा लेते हुए गोल उनको जेल में बंद कर दिया गया, और उन 16 साथियों ने एक साजिश रची, जेल में बंद रहने से कोई मतलब नहीं है, हम क्रांति के लिए घर से निकले हैं, इसलिए हमें जेल तोड़ करके बाहर जाना होगा। संतरी को लघु शंका का बहाना बना करके बंदी बनाया और 16 युवक वहां से भाग गए जेल से। हुआ है कि भागम भाग में कुछ तो कृष्णा नदी में कूद करके पार हो गए, कुछ खेतों के रास्ते भाग गए, लेकिन अन्ना साहेब जिस खेत में से भाग रहे थे वहां इतनी दलदल, इतनी मिट्टी थी कि पांव रखना मुश्किल हो गया। और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सामने हैं, तो पीछे मुड़कर के उन्होंने भारत माता की जयकार का नारा लगाया और अंग्रेज अधिकारी की गोली, शहीद हो गए। विचार कीजिए, विरोधी हिंसा, हिंसा इन्हें मंजूर नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, रक्षा के लिए। मगनलाल ओसवाल, भूपाल अणस्कोरे कोल्हापुर के होंगे, कंधीलाल जैन, मुलायमचंद जैन, अमर शहीद ये सभी, चौधरी भैयालाल जैन, अमर शहीद चौथमल भंडारी, अमर शहीद भूपाल पंडित ये होंगे कोल्हापुर के, अमर शहीद भारमल, अमर शहीद हरिश्चंद दगुड़ोवा जैन ए महाराष्ट्रियन। 20 अमर शहीदों के नाम और परिचय उपलब्ध है और 972 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम और परिचय उपलब्ध हैं, और जिसमें सबसे मुख्य नाम लिया जाए तो पंडित अर्जुन लाल सेठी। बंबई में उस समय लॉर्ड हार्डिंग्स पर, बंबई नहीं, दिल्ली में जो बम फेंका गया था चांदनी चौक में, उसकी पूरी साजिश अर्जुन लाल सेठी की थी। बम फेंका था प्रताप सिंह बारहट ने, उन्हें फांसी हो गई थी, किसी तरह से अर्जुन लाल सेठी नहीं पकड़े गए, लेकिन वो देश के लिए क्रांति का काम करते रहे। और बाद में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस लापता हुए, उस तरह से अर्जुन लाल सेठी भी लापता हो गए, या उनके साथ क्या हुआ साफ साफ इतिहास नहीं मिलता। श्रावको, इन वीर पुरुषों का चरित्र सुनकर के थोड़ी वीरता जीवन में आना चाहिए, चाहे वो अपने नियम संयम के पालन की वीरता हो। 56 दिन तक लगातार उपवास करे, कहीं कहीं 70 दिन भी लिखा मिलता है, बेलोर की जेल में। और वो इसलिए, जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे।
किसने किए? बोलो बोलो, इतना तो याद रख लो, परसों ही 13 तारीख को पूरा प्रवचन उनके जीवन पर किया, क्योंकि वो प्रवचन कम है, मार्गदर्शन ज्यादा है। अर्जुन लाल सेठी, कितने दिन का उपास? हाँ, तुम रात्रि भोजन के त्याग वाली लोग, रात्रि भोजन में भी कई बार दोष लगा दो, लेकिन वो ऐसा इंसान, ऐसा क्रांतिकारी कि दर्शन ना हुए तो 56 दिन तक 70 दिन तक उपवास किए, चूंकि उसको 2 धारा से जोड़ दिया गया। हम धर्म सभा में कहेंगे तो 56 दिन तक उन्होंने दर्शन ना होने से उपवास किए, लेकिन राजनीतिक रूप उन्होंने उसका जो दिया कि जब तक राजनीतिक बंदियों की व्यवस्था ना की जाएगी, उनके साथ होने वाले अत्याचार बंद ना होंगे, तब तक हम उपवास करेंगे। बहुत लोग हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में भी, स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी, 35 से ज्यादा जैन सांसद हुए, अनेक विधायक हुए हैं, 8 मुख्यमंत्री हुए हैं, 12 राज्यपाल हुए, सेना में भी बहुत गए, सुभाष चंद्र बोस के निजी डॉक्टर, डॉक्टर राजमल कासलीवाल जयपुर के, जो सेना की स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, एक जैन श्रावक। बहुत नाम आते हैं, इन नामों का स्मरण इसलिए करें ताकि आपको भी रहे कि हमारा इतिहास भी शूरता से भरा हुआ, और कोई पूछे तो आप तुरंत कह सकें कि एक मत पूछो, हम तुम्हें 200 नाम बता सकते हैं जो देश के लिए शहीद हो गए, हम तुम्हें 1000 नाम बता सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा बने रहे, विश्वसनीय बने रहे, कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की, यानी देश के साथ भी गद्दारी नहीं करना और स्वदेश के साथ भी गद्दारी नहीं करना, धर्म के साथ भी गद्दारी नहीं करना और स्वधर्म के साथ भी गद्दारी नहीं करना, अच्छे संकल्प लो और चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में उस पर अमल करो, और चाहे सामाजिक रूप से अच्छे संकल्पों पर अमल करें और अच्छे समाज की संरचना में सहयोग दें।